जो बाइडेन आगामी 14 सितंबर को क्वाड के सदस्य देशों के नेताओं के साथ पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। जानकारी सोमवार को व्हाइट हाउस की ओर से दी गई है। अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा जमाने वाले तालिबान के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अफगान महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगर इन नेताओं की बातों को औपचारिक तौर पर मान लिया जाता है तो अफगानिस्तान में महिलाओं के सरकारी दफ्तरों, बैंक, मीडिया और अन्य जगहों पर काम करने पर रोक लग जाएगी। तालिबान ने सोमवार को अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और दावा किया कि वहां से उन्होंने सोना और कैश जब्त किया है। न्यूज एजेंसी INS के अनुसार तालिबानियों ने एक वीडियो जारी किया है। तालिबान चाहे लाख दावे करे कि वह बदल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि वह आज भी वैसा ही क्रूर और महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी दिखाने वाला है जैसा 20 साल पहले था। अफगानिस्तान में महिलाओं के कब्जे के बाद आए दूसरे सबूत सामने आ रहे हैं। अमेरिका में 3 हफ्ते पहले तक अफगानिस्तान से सेना बुलाने का समर्थन न केवल डेमोक्रेटिक कर रहे थे बल्कि विपक्ष पार्टी रिपब्लिकन ज्यादातर सदस्य कर रहे थे। आज हालत बदल चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सेना के दिग्गज विपक्षी पार्टी और खुद अपनी पार्टी में आलोचना झेलनी पड़ रही है। अफगानिस्तान में महिला अधिकारों व मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। जिनेवा में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इस पड़ोस होने के नाते भारत यहाँ की स्थितियों पर करीब से नजर रख रहा है। उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों की अनदेखी करना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। अपने सरकारी आवास पर नियमित जनता दर्शन में दूर दराज के जिलों पर पहुंचने वाले फरियादों को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना निष्कर्ष निकाल लिया है। कुशीनगर में सीएम योगी के अब्बाजान शब्द पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। सीएम यहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते गिनाते पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावार हो गए। उन्होंने कहा कि पहले भूख से मौतें होती थी, आज प्रदेश और देश में भूख से एक भी मौत नहीं होती क्योंकि अब्बाजान कहने वाले की तरह लोग अब गरीबों का हक नहीं मार सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के एक वरिष्ठ अधिकारी को हर जिले के लंबित मामलों की रिपोर्ट जुटाने पर लगा दिया है। जल्दी लापरवाह IAS और IPS के अधिकारियों की सूची बनाकर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मेरठ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में प्रदेश में 20 हफ्ते 24 घंटे अभियान शुरू होगा। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर पकड़ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को गांव-गांव भेजा जाएगा। इसकी सफलता के लिए जिले के सभी 12 ब्लॉकों में समिति गठित की गई है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद सक्रिय हो रहे हैं। बीमारी से उभरने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अक्सर दिखने वाले मुलायम सिंह यादव अब पार्टी की यूथ को ट्रेंड करने में लगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक और कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 के पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन को लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने की सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश को रद्द कर दिया है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। जानलेवा हमले के मुकदमे में जिन लोगों ने मुख्तार की जमानत कराई थी अब उन्होंने जमानत वापस ले ली है। इस पर अदालत ने अभियुक्त मुख्तार को फिर से अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2009 में गाजीपुर में जानलेवा हमला और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज हुआ था। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, हाईवे किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार, 3 कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार देकर घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। कार सवार मुरादाबाद जागरण लेकर दिल्ली वापस सौ रहे थे।
प्रयागराज चौक इंचार्ज हनुमान मंदिर सिविल लाइन डेगू से पीड़ित हैं और इलाज के लिए वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराए गए थे। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शेखर की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दम तोड़ दिया। हमीरपुर में जहरीले सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। परिजन युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ये मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के चितकौर गांव का है। अमरोहा में पुलिस ने लूट का किया खुलासा। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एक फरार बैंक एजेंट से लूटा था पैसों से भरा थैला। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा आरोपी। आरोपी के पास से लूटी गई मशीन के 1120 रुपए की नकदी बरामद। खबर आगरा से है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। वहीं बाइक सवार की हालत गंभीर है। बाइक सवार घायलों को राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गौतम बुद्ध नगर थाना बीटा 2 में पुलिस द्वारा 2 वर्ष से फरार केडीएम के बाइक एंटरप्राइजेस प्रोपाइट के नाम पर ई कंपनी खोलकर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाला एक अभियुक्त और एक महिला अभियुक्ता गिरफ्तार। नोएडा में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पेट्रोल पंप कंपनियां मुफ्त सेवक दावा करती है, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल पंप की सेवाएं को बदलते पैसों की मांग करते हैं। ये एक सनसनीखेज मामला नोएडा सेक्टर 51 HPCL पेट्रोल पंप पर मुफ्त हवा की सेवा बंद कर दी गई। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट। जिनके हार का डर होता है, लोग अक्सर बदहवासी में उनका नाम लेते रहते हैं। जिनको उत्तर प्रदेश में डोमियासल देखे बिना लादा गया था, जनता उसे बोझ को हटा देगी। गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में मकान गिरने से परिवार के 4 सदस्य दबे, जिनमें से 1 की मौत, 3 घायल और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस बल मौके पर मौजूद। बिजनौर में टायरों से भरे दुकान में अचानक लगी आग। धू कर जलकर राख हुए दुकान में रखे टायर। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मंडी सीमित के पास की घटना। जलौन में तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 2 युवकों की मौत। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना मौधागढ़ थाना क्षेत्र के बंगरा मात्र की बताई जा रही है। अमेठी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोर गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास नकदी लैपटॉप और लाखों का सामान बरामद। पुलिस ने दुर्गापुर बाईपास से देर रात किया गिरफ्तार। खबर बागपत से है, जहां रमाला कोतवाली क्षेत्र के आसारा गांव में राशन डीलर की दबंगई का ग्रामीणों से मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। राशन डीलर की शिकायत करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया और जमकर मारपीट हो गई। होकर कुछ टाइम पहले मेरे पास आए थे कि राशन डीलर हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, राशन हमें बहुत कम दे रहा है, और जैसे हम उनको बोलते हैं तो हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करता, हमें कोटे से धक्के देकर भगा देता है। खबर मथुरा से है, जहां नझौली थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह आगरा से नोएडा की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस आगे चलकर डंपर से टकरा गई, जिसमें बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए। इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर श्रावस्ती से है, जहां जनपद में महिला से ठगी करने वाले 4 अभियुक्तों को इकौना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला को फोन करके स्वयं को जेल का सिपाही बताकर 1,10,000 रुपए ठग कर लिया था। शाहजहांपुर हाईवे पर दौड़ लगाते युवक को वाहन ने कुचला। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया हाईवे पर जाम। पुलिस प्रशासन मौके पर शाहजहांपुर हरदोई मार्ग का ये पूरा मामला, जहां थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के गांव गुवारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिसौरी क्षेत्र के गांव नागपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर ललितपुर से है, जहां तालाबपुरा मोहल्ले में ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के पास से 64,000 रुपए नकद और 2 सोने की अंगूठी समेत 1 लॉकेट बरामद किया है। निर्देशन में आज चेकिंग करते समय आज 2 अभियुक्त गिरफ्तारी हुई, जिसमें विकास राठौर पुत्र अशोक राठौर उम्र 26 वर्ष, दूसरा बिट्टू कुशवाहा पुत्र चंदन कुशवाहा, ये दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई।
फतेहाबाद में दबंगों द्वारा एक हेयर कटिंग की दुकान में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया। दुकान स्वामियों को जमकर मारा पीटा गया। दुकान में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे दुकान स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित दुकान स्वामी ने थाना फतेहाबाद में दबंगों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिले के निगासन कोतवाली इलाके के गांव में घर पर अकेली सो रही 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मजदूरी करने गया था और उसकी पत्नी और बहन कोरोना वैक्सीन लगवाने गई थी। खबर इटावा से है, जहां 8 सितंबर की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब तालाब से एक 30 वर्षीय महिला और 2 मासूम बच्चों के शव बरामद हुए। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना भी दी गई। मौके को देखने वाकया से लगा कि बच्चे डूब कर ही मरे हैं, लेकिन जब शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य आए, जिसमें हमने SOG क्राइम ब्रांच, जिससे मोबाइल का लोकेशन, घटना की क्या जानकारी, किन किन लोगों से बात हुई, इसमें पूरी छानबीन करने के बाद में जो दोषी सिद्ध हुआ है, उसमें मृतका का पति योगेश है, जिसने इन बच्चों को तालाब में फेंक दिया था और घटना को छुपाने कोई ना पता चले महिला के सर में इन मारकर उसको भी तालाब में फेंक दिया था।